वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे एंड जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज होने वाला है एक और फूड व्लॉग। मैं जाने वाली हूँ एक और न्यू रेस्टोरेंट इन कोलकाता जिसका नाम है पेपे रोजा। इटालियन क्विजीन मिलता है वहाँ पे एंड इट इज अ न्यू रेस्टोरेंट, सो आज मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। सो सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने के पहले एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। आज हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड आई है, सो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, खाना एक्सप्लोर करेंगे, सो इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। गाइज वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये व्लॉग पेपे रोजा से विद माई फ्रेंड शाहीन जो कि हैदराबाद से आई है। यस, सो आज हम लोग आए हैं पेपे रोजा में एंड ट्राई करने वाले हैं खाना एंड एवरीथिंग। सो अभी हम लोग जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं पेपे रोजा का एम्बियंस, खाना, सब कुछ एंड इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। So this is basically the waiting area guys, very well decorated as you guys can see and this is basically the entrance gate and yahan se aap ghuste ho towards the main area and aap dekh sakte ho this beautiful painting ghuste hi, it is a very beautiful painting and bahut hi well decorated hai। yahan pe aapka pizzas wagera banta hai, open kitchen type ka hai। so this is basically one part of the sitting area, the next part is ye wala part jahan pe hum log bhi baithe the, it's very beautifully decorated। yahan pe bar counter bhi hai jo aap dekh sakte ho and this is a very well decorated sitting area as well and उस साइड में एक और भी sitting area है but वहाँ पर private party चल रहा था इसलिए मैंने लिया नहीं, but हाँ काफ़ी spacious है and very very well decorated। हम लोग ने जो फर्स्ट डिश ऑर्डर किया था वो तो ब्लैक गार्लिक प्रॉन्स, जैसे कि आप देख सकते हो वेरी वेल कुक्ड, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में था सॉस एंड गार्लिक एंड ब्लैक पेपर का काफ़ी अच्छा एक ब्लेंड हो रहा था एंड द प्रॉन्स टेस्टेड यम, वेरी वेल कुक्ड एंड डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड ये डिश अगर आप लोग प्रॉन्स खाते हो। नेक्स्ट हम लोग ने ऑर्डर किया था चिकन शीश टॉक, जैसे कि आप देख सकते हो कबाब पीसेज है, एक मेयो डिप है, अनियन से कर्ड है, सो दिस वाज बेसिकली द डिश। द चिकन वाज वेरी वेल मैरिनेटेड, काफ़ी अच्छे तरीके से मैरिनेशन किया गया था, उसके बाद उन लोग ने ग्रिल किया है एंड थोड़ा सा एक बर्न्ड फ्लेवर भी आ रहा था व्हेन यू वर टेकिंग द चिकन पीसेज, सो वेरी सॉफ्ट चिकन पीसेज, वेरी वेल मैरिनेटेड एंड काफ़ी डिलीशियस था, सो हम लोग को ये डिश अच्छा लगा। हम लोग ने फिर ऑर्डर किया था मॉकटेल्स, ऑल द मॉकटेल्स वर डिलीशियस। ये वाला है स्ट्रॉबेरी फिज मॉकटेल एंड दिस वाज वेरी रिफ्रेशिंग एंड आई रियली लाइक्ड इट। नेक्स्ट स्टार्टर जो हम लोग ने ऑर्डर किया था वो था पार्मेसन पोलो पॉपेट बोल के एक डिश। ये बेसिकली चिकन मीट बॉल्स है कुक्ड इन अ वाइटिश ग्रेवी, जैसे कि आप देख सकते हो बेसिकली पार्मेसन चीज़, बटर, फिर गार्लिक, इससे ये सॉस बनाया गया था एंड द चिकन जो मीट बॉल था वो भी इतना वेल मैरिनेटेड था। द ब्लेंड ऑफ दिस चिकन मीट बॉल अलॉन्ग विद द वाइटिश जो इन लोगों ने ग्रेवी बनाया था वॉज अमेजिंग, इट टेस्टेड डिलीशियस, बोथ द चिकन मैरिनेशन वॉज अमेजिंग एंड द सॉस वॉज वेरी वेल कुक्ड, सो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड दिस डिश। इतना सारा यमी स्टार्टर्स खाने के बाद हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया, सो वी वर क्लिकिंग पिक्चर्स। एज यू गाइज नो मेरे को और मेरी फ्रेंड को एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है पिक्चर्स क्लिक करना, सो वी वर क्लिकिंग पिक्चर्स। इन द मीन टाइम मेन कोर्स भी रेडी हो रहा था, हम लोग ने ऑर्डर कर दिया था, सो अटैचिंग सम पिक्चर्स ओवर हियर फॉर यू गाइज जो हम लोग वहाँ पे क्लिक किए थे। पिक्चर्स क्लिक करते करते हम लोग का मेन कोर्स आ गया था, सो द फर्स्ट डिश विच वी ऑर्डर्ड वाज अ पिज्ज़ा। ये था चिकन अलेलियो पिज्ज़ा, जैसे कि आप देख सकते हो इट्स अ थिन क्रस्ट पिज्ज़ा जिसके ऊपर चिकन, अनियन, टमेटोज एंड बहुत सारा चीज़ के साथ बनाया गया है। द पिज़्ज़ा टेस्टेड रियली गुड, वेरी वेल कुक्ड, द चिकन जो था ऊपर में काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने कुक किया है, मैरिनेट किया है, सो काफ़ी फ्लेवरफुल था चिकन। फिर एक हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर आ रहा था एंड चीज़ था, सो द ब्लेंड ऑफ द होल थिंग वॉज रियली गुड, सो ये पिज़्ज़ा हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा, यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई। नेक्स्ट हम लोग ने चिकन एंड मशरूम रिजॉर्टो ऑर्डर किया था, ओ माई गॉड द रिजॉर्टो वॉज जस्ट अमेजिंग, बहुत सारा चिकन, मशरूम एंड चीज़ के साथ उन लोग ने बनाया था, इट वॉज वेरी वेरी फ्लेवरफुल एंड अगर आप लोग को रिजॉर्टो अच्छा लगता है यू गाइस शुड डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई दिस वन, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एंड द रिजॉर्टो टेस्टेड यम, बहुत ही फ्लेवरफुल था, डिलीशियस था एंड वुड हाईली हाईली रिकमेंड। इतना सारा खाने के बाद वी ऑर्डर डेजर्ट एंड द फर्स्ट आइटम वॉज तिरामसु, ये बहुत ही अच्छा था जैसा कि होता है कॉफ़ी फ्लेवर्ड में था एंड वेरी वेल डन, तिरामसु वॉज रियली डिलीशियस एंड वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप लोगों को तिरामसु पसंद है यू आर गोना लव दिस वन।
नेक्स्ट एंड जो लास्ट डेजर्ट हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो था चॉकलेट टार्ट. जैसे कि आप देख सकते हो, इट्स बेसिकली ब्राउनी विथ आइसक्रीम. नॉट एग्जैक्टली ब्राउनी, बट सॉर्ट ऑफ ब्राउनी विथ आइसक्रीम. ये जो आप केक के स्लाइस में देख रहे हो, ये ऊपर का जो क्रस्ट है थोड़ा सा हार्ड था, एंड जो अंदर में फिलिंग था इट वॉज काफ़ी सॉफ्ट एंड गुई एंड एक मूस टाइप का था. सो द ऊपर का क्रस्ट अलॉन्ग विद दैट सॉफ्ट टेक्स्चर एंड उसके साथ ये आइसक्रीम, द ब्लेंड ऑफ दिस वॉज अमेजिंग, हेवनली था, बहुत ही डिलीशियस था. एंड आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर आप लोग डार्क चॉकलेट लवर्स हो, यू आर गोना लव दिस वन. सो ये ऊपर का जो क्रस्ट हार्ड एंड नीचे का जो सॉफ्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस वॉज ऑल्सो इट सेल्फ टेस्टिंग यम, एंड अलॉन्ग विद द आइसक्रीम इट वॉज एडिंग मोर फ्लेवर्स. सो डेफिनेटली आई वुड हाईली रेकमेंड दिस डिश. दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आप लोग ने देखा वहाँ का खाना कैसा है, एम्बियंस कैसा है, सब कुछ. मैं सारा डिटेल्स, प्राइस जिसका भी जैसा भी प्राइस है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स मैंशन कर दूंगी. अगर आपको किसी एग्जैक्ट प्राइस जानना है किसी आइटम का, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर सकते हो. एंड येस, ओवरऑल द एम्बियंस इज रियली गुड. म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, एंड ओवरऑल वी हैड एन अमेजिंग टाइम. सो फूड वाइज मैं अगर बोलूँगी, क्वान्टिटी थोड़ा सा मुझे मतलब कम लगा कंपेयर टू द प्राइस, बट येस टेस्ट वाइज इट वॉज अमेजिंग. सो येस, खाना इज अमेजिंग, एम्बियंस इज अमेजिंग, बट हाँ थोड़ा सा प्राइसी आप बोल सकते हो, ऑन द हायर साइड प्राइस है बेसिकली. एंड बट अगेन बार बार मैं बोल रही हूँ, द टेस्ट इज अमेजिंग. सो येस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा आपको पता है क्या करना है, डू हिट द लाइक बटन, थम्स अप बटन जरूर प्रेस करें, कमेंट्स में बताएं कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करें दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को जो कि है प्रियाशा बोस. मैं आप लोग से मिलती हूँ अगले वीक एक फ्रेश न्यू ब्लॉग के साथ. टिल देन एज आई ऑलवेज से, स्टे हैप्पी, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक फ्रेश न्यू ब्लॉग के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.